हेलो एवरीवन। तो आज मैं करने वाली हूँ इस तरीके का मेकअप। ये आलिया भट्ट का स्किन जो नेचुरल कलर में दिखता रहता है, और हम लोग सोचते हैं कि इन्होंने मेकअप नहीं किया, नेचुरल ही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक सीक्रेट है जो कि है स्टॉक क्रीम, जो कि ये स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी के सारे मेकअप प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इनका। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसको कैसे यूज़ करना है वो बताने वाली। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टॉक क्रीम की मदद से ये लुक क्रिएट किया था आलिया भट्ट की तरह। तो चलिए बताती हूँ कैसे यूज करना है, कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाया है जो कि लैक्मे पीच मिल्क का है। उसको अच्छे से स्किन पे इस तरीके से लगाएंगे। एंड ये बालों में लग गया था तो मैं इसको रिमूव कर ले रही हूँ। एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद से आपको लेना है थोड़ा सा, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कोई भी प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे लगाते हो तो उसको दो मिनट तक छोड़िए ताकि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर तो अप्लाई कर लिया है, सेकेंड में मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये जो हमने स्टॉक क्रीम अभी आपको मैंने दिखाया उसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है। और ये हमारे फेस के शेड का नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली आपके शेड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसको इस तरीके से लिया है, पूरे फेस के इस तरीके से फैला दिया है, एंड हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद से एक अमेजिंग सा साइन आएगा आपके फेस में जो कि आपके सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने का काम करता है। तो इसको अप्लाई करके आप डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट करके अपना ब्लशर हाइलाइटर लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस क्रीम की मदद से अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज़ कीजिए। अपना CTM करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्राइमर अप्लाई कीजिए। जो जो आपका मेकअप प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें अप्लाई करोगे। आप देख सकते हो सिर्फ क्रीम लगाने से मेरे स्किन में अच्छा सा ग्लो आ रहा है। ये आपकी स्किन को, जैसे आपका स्किन होता है मेकअप करने के बाद से थोड़ा सा वो लुक नहीं आ पाता है जो हम लोग को चाहिए होता है, यानी कि जैसे एक्ट्रेस का हम लोग देखते हैं कि अंदर से ग्लो कर रहा है स्किन, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ लुक क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक क्रीम लेना होता है। तो आप स्टॉक क्रीम यूज कर रहे हो, उसके बाद से अपना जो लुक देखोगे वो लगेगा कि आपकी स्किन अलग से साइन कर रही है, आपने कुछ लगाया नहीं है। तो उसको वैसा लुक क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। सभी ब्रांड के स्टॉक क्रीम आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। मैंने इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट किया, उसके बाद हल्का सा ब्लशर अप्लाई किया था। ब्लशर मैंने यहाँ पे पाउडर बेस में यूज किया है, आप चाहो तो लिक्विड बेस में यूज कर लोगे। लिक्विड बेस पाउडर के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैंने यहाँ पे पाउडर वाला ही यूज किया था। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ये भी स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से अप्लाई किया है, देन आप फिक्सर से इसको फिक्स करके अपना लाइनर मस्कारा वगैरह अप्लाई करो, एंड आपका जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो ब्लशर अपने गालों पे एंड नोज पे यूज किया था आई मेकअप के लिए भी, उसी को थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आलिया भट्ट ने बहुत हार्ड मेकअप नहीं किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ भी, बिल्कुल नेचुरल दिख रहा था। तो इस तरीके से आप नेचुरली अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर पैलेट में से ही सिल्वर कलर का ब्लशर ले रही हूँ, और हाइलाइटर के जगह पे अपने आईब्रोज के जस्ट नीचे अप्लाई कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इस तरीके का लाइट शेड में हाइलाइटर अपने आईब्रोज के नीचे अप्लाई करते हो तो जो आपका आई मेकअप होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत खूबसूरत दिखता है। उसके बाद जो अपना आईब्रो फील करोगे आप वो भी काफ़ी अच्छे से निकल आता है। उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया था, काजल है हमारा लैक्मे 925 का। काजल को अप्लाई करने के लिए आपको जैसे मैं इधर वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट काजल अप्लाई करते हैं तो हमारा जो जितना लगाना चाहिए उससे एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हल्का सा स्किन को खींच के और फिर आप काजल अप्लाई करोगे तो जो आपका काजल है वो परफेक्ट जगह पर लगेगा एंड फैलेगा नहीं। और काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको उसके नीचे लो वाटर लाइन पे लाइनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होता है आपका काजल जो होता है वो फिक्स हो जाता है और फिर फैलता नहीं है। मैं ये ट्रिक लॉन्ग टाइम से यूज करती हूँ, मेरा काजल बिल्कुल भी नहीं फैलता है। और अगर आपको लाइनर नहीं अप्लाई करना है तो आप आई शेडो पैलेट में से कोई भी कलर का, जो भी आपने ड्रेस पहनी है उस कलर का आई शेडो लेके, अगर आपको कलर नहीं अप्लाई करना है तो आप सिंपली ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने काजल के नीचे अप्लाई कर दो तो आपका जो काजल है वहीं पर फिक्स हो जाएगा और निकलेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ पर आई लाइनर लिया था और आई लाइनर को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ।
विंग्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटा सा विंग्स रखा है, आलिया भट्ट ने भी यहाँ पे छोटा सा ही विंग्स रखा था, इसलिए मैंने छोटा सा विंग्स बनाया है। बाकी आपको बड़ा भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लो वाटर लाइन पे भी लाइनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ लो वाटर लाइन पे लाइनर। इससे क्या होता है मेरा काजल नहीं फैलता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जब तक मैं अपना मेकअप रिमूव ना करूँ तब तक वो वैसे का वैसे रहता है। मेकअप रिमूव करने के लिए अगर आपके पास रिमूवर नहीं है तो उसके लिए वीडियो डिटेल में जा चुकी है। आप घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिससे आप इजीली अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। फिर आईब्रो फिल करने के लिए मैंने जेल आईलाइनर लिया है, इसको भी मैंने मीशो से मंगाया था। इसको ब्रश में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना है एंड अपने आईब्रो का शेप देते हुए साथ ही के साथ ब्लेंड कर रही हूँ मैं। और जो मैंने हाइलाइटर आईब्रोज के नीचे लगाया था उसकी वजह से जो मेरा आईब्रो का लुक है एंड आई मेकअप का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, मेकअप सीख रहे हो, या फिर आपको मेकअप करते टाइम डर लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी वे में बताती हूँ मेकअप स्टेप, तो आप फॉलो कर सकते हो और बिगिनर्स भी काफ़ी अच्छे से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आईब्रो को फिल कर लिया जो कि बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा वाला आईब्रो भी मैंने इसी तरीके से फिल किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एंड इस तरीके से आईज के नीचे अप्लाई किया है। और आप देख सकते हो सिर्फ स्टॉक क्रीम की मदद से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिससे कि मेरा जो डार्क सर्कल है वो भी काफ़ी हद तक हाइड हो गया। वैसे तो मेरे फेस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, अगर आपके पास पे आपके फेस पे हल्का फुल्का प्रॉब्लम है भी तो आप ये स्टॉक क्रीम की मदद से उसको हाइड कर सकते हो विदाउट मेकअप किए। और मेकअप के साथ आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा क्योंकि जो बाद में लुक आता है वो अच्छे से नहीं आ पाता है, या फिर आपका मेकअप डल दिखने लग जाता है, या फिर केकी दिखने लग जाता है, या फिर आपका जो मेकअप लुक है वो थोड़ा सा ब्लैकनेस पे आ जाता है। तो आप स्टॉक क्रीम यूज करोगे तो वो बहुत अच्छा लुक देगा आपके आपके मेकअप को बाद में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक है। आप आई लैसेज लगा के कंप्लीट कर सकते हो। आई लैसेज को नहीं लगाना है तो उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है विदाउट आई लैसेज अपने आई लैसेज को कैसे भारी और खूबसूरत दिखा सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी आइडियाज़ जानने के लिए मेकअप से रिलेटेड एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। तो सेकंड चैनल पे मेरे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ जाते रहती हैं। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वैसे आप प्रीत तिवारी 2 सर्च करके वहाँ पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम प्रीत तिवारी 24 है तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो जाके चेकआउट कीजिएगा क्योंकि सारी वीडियोज़ में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ मैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली जिनको जिनको मेकअप सीखना है और आपको बिल्कुल नहीं आता है और आपको शादी वेडिंग फंक्शन वगैरह अटेंड करना है तो आप इस तरीके से अपने लुक को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखा सकते हो और पार्लर जाने से भी बच जाओगे, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने छोटा सा वीडियो लिया था हेयर स्टाइल का, ये हेयर स्टाइल की वीडियो जा चुकी है तो आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साड़ी के लिए बहुत अच्छा है लो बन हेयर स्टाइल एंड इसको आप थोड़ा सा हेयर एसेंसेस से डेकोरेट कर दोगे तो ये पार्टी लुक देगा एंड वेडिंग फंक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? डिटेल वीडियो जा चुकी है तो जाके चेकआउट कर लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।